अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 है। हमारे पास टॉपिक है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम ये देखेंगे प्रोक्लेमेशन होती क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से कंटेंट जो है वो प्रोक्लेमेशन में लिखे जाते हैं, किस तरह मोड ऑफ पब्लिकेशन इसका क्या है, फिर आगे अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आफ्टर प्रोक्लेमेशन नहीं पेश होता कोर्ट में तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को किस तरह अटैच किया जाता है, ये पूरे हम प्रोसीजर जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम जब ये पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है वो इश्तिहारी मुलजिम जो है ये किसी भी पर्सन को, अब यहाँ पे वो कहती हैं कि कोई ऐसा पर्सन जब कोर्ट उसके अगेंस्ट कोई वारंट इशू करती है उसको गिरफ्तार करने के लिए और वो जानबूझ के अपने आप को बचाने के लिए उस गिरफ्तारी से वो छुप रहा होता है, अपने आप को बचा रहा होता है या भाग जाता है, तो फिर कोर्ट क्या करती है कि उस पर्सन को कोर्ट में अपीयर नहीं होता, कोर्ट टाइम देती है, डेट देती है, उसमें वो अपीयर नहीं होता तो फिर कोर्ट उसको इश्तिहारी करार दे देती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है, इश्तिहारी पर्सन जो है, जो इश्तिहारी मुलजिम है, वो क्या किस तरह होता है, प्रोसीजर क्या होता है, कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करती है। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। प्रोक्लेमेशन का मतलब है कि फॉर्मल और पब्लिक अनाउंसमेंट, ये इसका जो हम इसका लफ्जी मैनी देखते हैं तो फॉर्मल और पब्लिक अनाउंसमेंट है। वो कहता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि एक पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई वारंट इशू किया गया है, कोई ऑफेंस में कोई एक्यूज पर्सन है, ठीक है, और अब वो गिरफ्तारी से बचने के लिए, उस वारंट की एग्जीक्यूशन से बचने के लिए भाग गया है या अपने आपको छुपा रहा है, तो फिर कोर्ट क्या करती है कि वो इन राइटिंग प्रोक्लेमेशन जो है वो पब्लिश कर देती है। अब सेक्शन 87 जो है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, ये बताता है तरीका कि किस तरह प्रोक्लेमेशन जो है वो इशू की जाती है, कब इशू की जाती है। अब वो कहते हैं अगर एक कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि एक पर्सन है एक ऑफेंस में वो मतलूब है कि आए इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो, कोर्ट के सामने ट्रायल में शामिल हो, अब वो पर्सन उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी हुआ है लेकिन वो उस वारंट के एग्जीक्यूशन से बचने के लिए भाग जाता है या अपने आप को छुपा रहा है, तो यहाँ पे उस पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट जब सेटिस्फाई हो जाती है एविडेंस से कि वो पर्सन वाकई ही अपने आप को बचा रहा है, भाग रहा है और छुपा रहा है, तो फिर कोर्ट क्या करती है कि वो रिटन प्रोक्लेमेशन जो है वो पब्लिश कर देती है कि फलां पर्सन जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो एट दिस स्पेसिफाइड प्लेस एट स्पेसिफाइड टाइम आके कोर्ट के सामने पेश हो। और ये जो टाइम है वो यहाँ पे कहते हैं कि प्रोक्लेमेशन जब पब्लिश की जाती है उसके 30 दिन से कम का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए उसकी हाज़िरी के लिए। अब आगे वो कहते हैं कंटेंट क्या है प्रोक्लेमेशन के, जब प्रोक्लेमेशन कोर्ट पब्लिश करती है तो उसमें ये कंटेंट्स होते हैं कि एब्सकॉन्डर जो है उसका नाम और पता जो है वो लिखा जाता है, फिर उसका जुर्म लिखा जाता है, ऑफेंस लिखा जाता है कि किस में वो पर्सन रिक्वायर्ड है, फिर स्टेटमेंट रिक्वायरिंग जो है कि कोर्ट के सामने वो अपीयर हो वो लिखी जाती है, फिर प्लेस जो किस जगह पे अपीयर हो, फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ डेट जो है वो लिखी जाती है कि किस तारीख को पेश हो कोर्ट के सामने, ठीक है। अब सेक्शन 87 सबसेक्शन 2 जो है ये मोड बताता है पब्लिकेशन के, इसमें वो कहता है कि प्रोक्लेमेशन जो है वो पब्लिश की जाती है किस तरह कि इट शैल बी पब्लिकली उसको पढ़ा जाएगा, कोई भी अगर टाउन है या विलेज है तो उसकी सबसे नुमाया जो जगह है वहाँ पे जाके उसको पब्लिकली पढ़ा जाएगा जो प्रोक्लेमेशन कोर्ट ने पब्लिश की है उसको, जहाँ पे वो पर्सन रह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके घर के किसी हिस्से पे या फिर उस गांव पे या टाउन में जहाँ पे वो रह रहा है तो उसके किसी ना नुमाया जगह पे वो जाके अफिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर वो कहता है कि इसकी एक कॉपी जो है कोर्ट के हाउस के बाहर भी अफिक्स कर दी जाएगी कि फलां पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड है, इश्तिहारी हो गया है, वो आके कोर्ट में पेश हो। अब वो कहता है स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय कोर्ट जो है जिसमें प्रोक्लेमेशन इशू की जाती है टू इफेक्ट, वो कहता है कि जिस जो पब्लिश की जाती है कि ऑन अ स्पेसिफाइड डे, तो वो एक कंक्लूस
कंक्लूसिव एविडेंस है कि तमाम जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं इस सेक्शन की वो फुलफिल की गई हैं जो प्रोक्लेमेशन पब्लिश की गई है उसके अकॉर्डिंग। अब आगे वो कहता है सेक्शन 88 में कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अब अगर कोई पर्सन है वो भाग रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हुई है और वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होता, तो यहाँ पे वो कहता है कि कोर्ट जो प्रोक्लेमेशन जारी करती है अंडर सेक्शन 87 वो किसी भी टाइम पे ऑर्डर कर सकती है कि उस पर्सन की प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है या दोनों ही जो उस प्रोक्लेम्ड पर्सन की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको उनकी अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकती है। अब वो यहाँ पे कहता है कि जब ये ऑर्डर दिया जाता है तो ये ऑथोराइज करता है कि जो प्रॉपर्टी की अटैचमेंट है जो उस पर्सन से बिलोंग करती है चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो तो वो जो कोर्ट ऑर्डर करती है वो उसको अटैच उसके पास जो रेस्ट्रिक्शन है कि वो उसको अटैच कर सकती है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है ऑर्डर टू बी अटैच इज़ अ डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, तो फिर क्या है वो कहते हैं यहाँ पे फिर इस तरह इसको इफेक्टिव बनाया जाएगा कि बाई सीजर बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम person on to anyone on his behalf, और चौथा वो कहते हैं कि by all or any two of such method as court think fit। अब यहाँ पे वो आगे कहता है कि अगर property जो जिसका order दिया गया है कि इस property को attach कर दिया जाए, court उसकी attachment का order देती है, अगर वो immovable है तो फिर वो यहाँ पे वो कहता है कि in case of land paying revenue to the provincial government तो फिर क्या है district officer रेवेन्यू जो है उसके थ्रू उस प्रॉपर्टी की अटैचमेंट की जाएगी, किस तरह, बाय टेकिंग पोजेशन, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, और चौथा वो कहते हैं बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड एज द कोर्ट थिंक फिट, जो कोर्ट को ठीक लगता है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अगर जो प्रॉपर्टी है जिसको अटैच किया जाना है वो लाइफ स्टॉक है या ऐसी पेरिशेबल नेचर है कि जो जल्दी जल्दी ख़राब हो सकती है, तो फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि कोर्ट क्या करेगी कि अगर कोर्ट को ये सही लगता है, मुनासिब लगता है, तो उसकी इमीडिएट सेल का ऑर्डर दे देगी उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब आगे वो कहते हैं कि पार्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी द सेम एज रिसीवर अपॉइंटेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। वो कहते हैं अगर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जैसे हमने पहले पिछले दो सब सेक्शन में देखा है 4 में और 3 में जहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो वो कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर उसी मेथड से होगी जिस तरह कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में रिसीवर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर होती है। आगे वो कहते हैं सबसेक्शन 6A में कि अगर कोई भी जो प्रॉपर्टी अटैच की जानी है कोई उस पर क्लेम हो जाता है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है, तो यहाँ पे वो कहता है कि विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट कोई भी बाय एनी पर्सन प्रोक्लेम्ड पर्सन के अलावा, एक प्रोक्लेम्ड पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की जानी है उसके अलावा अगर कोई और पर्सन 6 माह के अंदर कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है, ठीक है, या क्लेम रेज करता है उस प्रॉपर्टी पे जिसको अटैच किया जाना है ऑन द ग्राउंड डैट द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैज़ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सच इंटरेस्ट इज़ नॉट लायबल टू अटैचमेंट, तो यहाँ पे वो कहता है कि क्लेम और ऑब्जेक्शन जो है उसको अच्छी तरह इंक्वायर्ड किया जाएगा और उसको फिर कोर्ट जो है वो अलाउ भी कर सकती है, डिसअलाउ भी कर सकती है, चाहे पूरा चाहे इन पार्ट उसका कोई हिस्सा अलाउ कर दे या पूरे के पूरा अलाउ कर दे। आगे वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा क्लेम या ऑब्जेक्शन जो कि विद इन अ पीरियड allowed by this subsection, तो उसमें वो कहता है in the event of death of claimant or objector, तो फिर ये continue हो जाएगा उसके legal representative की तरफ, यानी अगर कोई claimant या objector जो है वो आके कोई property जो attach की जानी है proclamation में तो उस पर आके objection raise करता है, ठीक है, तो वो अगर उस person की death हो जाती है तो फिर ये क्या है ये वाला right transfer हो जाएगा उसके legal representative के तरफ।
आगे वो कहता है कि अगर ये कोई भी क्लेम जो ऑब्जेक्शन है जो कोर्ट के सामने रखा गया है, पेश किया गया है, जिसमें उस कोर्ट के सामने जिसने अटैचमेंट का ऑर्डर दिया है, तो अगर ऐसा जो ऑब्जेक्शन है या क्लेम है किसी अटैच प्रॉपर्टी में, तो उसमें कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने है, तो फिर यहाँ पे वो कहता है ऐसा जितने भी क्लेम है, ऑब्जेक्शन है, उसको अच्छी तरह इंक्वायर करेगी कोर्ट या मजिस्ट्रेट जो भी एच एस सेशन को जज है या मजिस्ट्रेट है, तो वो उस क्लेम को, उस ऑब्जेक्शन को अच्छी तरह इंक्वायर करेंगे। अब आगे वो कहता है कोई पर्सन जिसने कोई क्लेम किया है या ऑब्जेक्शन उसका है, वो डिसअलाउ हो जाता है, चाहे पूरे का पूरा कोर्ट डिसअलाउ कर देती है या उसका कोई भी पार्ट डिसअलाउ कर देता है, तो फिर वो कहता है कि एक ऐसा ऑर्डर पास होने के एक साल के अंदर अंदर वो एक सूट फाइल करेगा, जिसमें वो क्या करेगा कि क्लेम करेगा कि उसका जो राइट है इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में वो इस्टाब्लिश किया जाए। फिर वो कहता है कि अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन जो है वो अपेयर होता है एट अ स्पेसिफाइड टाइम इन प्रोक्लेमेशन, तो फिर कोर्ट क्या करेगी कि उसकी जो प्रॉपर्टी जिसका ऑर्डर दिया है कि इस प्रॉपर्टी को अटैच करना है, तो उसको फौरन ही रिलीज कर देगी। आगे वो कहता है कि अगर एक प्रोक्लेम्ड पर्सन जो है वो कोर्ट के सामने अपेयर नहीं होता जो भी टाइम दिया है कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन में, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है जो अंडर अटैचमेंट है, तो फिर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बट इट शैल नॉट बी, उसको बेचा नहीं जाएगा अनटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। अब जो जिस तारीख को वो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उस तारीख के 6 महीने तक उस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाएगा। यहाँ पे वो कहता है कि अनटिल एनी क्लेम इज़ प्रिफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड, यहाँ तक कि उन पे कोई क्लेम आए या ऑब्जेक्शन आए, फिर या फिर वो कहता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो जिसका क्या है कि स्पीडी और नेचुरल डिके हो रहा है, ठीक है, या कोर्ट को लगता है कि इसको बेच देना ही ओनर के बेनिफिट में है, तो फिर कोर्ट उसके डिस्पोजल के उसका बेचने का बोल सकती है कि ये प्रॉपर्टी जो अटैच की गई है इसे बेच दिया जाए, वरना जो अटैचमेंट के पीरियड जब प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी तो उसके 6 माह के अंदर अंदर 6 माह तक, उसके 6 माह के एक्सपायर होने तक वो प्रॉपर्टी जो है उसको ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बेचेगी नहीं कोई भी उस प्रॉपर्टी को जब तक कि उसके 6 माह कंप्लीट नहीं हो जाते। अब सेक्शन 89 जो है ये रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी है, वो कहता है इफ़ विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट कोई पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी जो है एट द डिस्पोजल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो वो अपेयर होता है वॉलंटैरली या फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, तो कोर्ट जो जिस कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी अटैच की है, तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी और आके वो प्रूव कर देता है, कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि वो भागा नहीं था, ना ही वो छुपा था, ना उसने अपने आप को वारंट के एग्जीक्यूट होने से बचाया था, ना कोर्ट की जो लीगल प्रोसीडिंग है उससे अपने आप को बचा रहा था, तो यहाँ पे क्या है कि प्रोक्लेमेशन का वो आके कहता है कि मुझे जो इश्तिहारी करार दिया गया मुझे इसका पता ही नहीं था, तो फिर यहाँ पे कोर्ट क्या करती है जो भी उसकी प्रॉपर्टी अगर वो बेच दी गई है चाहे पूरी या उसका कोई भी हिस्सा, तो उसकी जो कॉस्ट है वो उस पर्सन को डिलीवर की जाएगी, या अगर थोड़ी बेची गई है बाकी पड़ी है तो प्रॉपर्टी और साथ रकम जो है वो उस पर्सन को डिलीवर की जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट है कि वो पर्सन आके कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि मैं इस वारंट की एग्जीक्यूशन से बच नहीं रहा था, या गिरफ्तारी से ना मैं भागा हुआ था कोर्ट की लीगल प्रोसीडिंग से, और ना ही मैं जानबूझ के छुप रहा था, या और वो आके ये बताए कि उसको प्रोक्लेमेशन का इल्म नहीं था और ना उसे पता था कि किस टाइम पे किस जगह पे कैसे पेश होना है। जब ये सारी चीज़ें कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेता है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसको डिलीवर कर दी जाती है, अगर बेच दी गई है तो जो रकम है वो दे दी जाती है, और अगर नहीं बेची गई तो वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी जाती है। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।